पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है और अब खड़गे ने पीएम मोदी को खुलेआम चुनौती दे दी है। खड़गे ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वे विपक्षी दलों के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश में आर्थिक खलबली फैलाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चुनावी वादों को लेकर काफी जुबानी टकराव भी देखने को मिल चुका है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि पार्टी सरकार बनने पर वादे पूरे नहीं करती। इसको लेकर कांग्रेस भी पीएम मोदी पर हमलावर नजर आई थी। वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फेक नैरेटिव विकास कार्यों का विकल्प नहीं हो सकता। आम नागरिकों से उनका आखिरी पैसा लूटकर आपने जो उथल पुथल मचाई, उसे देखकर त्योहारों का उत्साह भी भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सकता। जो पहले से ही कम खपत, महंगाई, बढ़ती असमानता, कम निवेश जैसी समस्याओं से जूझ रही है। खड़गे का यह बयान पिछले सप्ताह चुनावी वादों को लेकर उनके और पीएम मोदी के बीच हुई तीखी राजनीतिक बहस का जवाब है। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए। खड़गे ने लिखा कि 2014 से 15 और 2021 से 22 के बीच भारत के वर्कफोर्स के मुद्रा फीसदी समायोजित वेतन यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेजेस ऑफ द वर्कफोर्स में 1% से भी कम का इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती हैं, वहां भगदड़ क्यों मच जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर किसने छीनी 5 लाख सरकारी नौकरियां? उन्होंने कहा कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों गिर गई है, तथा पिछले साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई? खड़गे ने दावा किया कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। ICU में है या मार्गदर्शक मंडल में? आपकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ रुपयों से अधिक उधार लिए हैं, यानी प्रत्येक भारतीय पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिटिपून GST के माध्यम से MSMI को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ठोस आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप फर्जीवाड़े की कला में माहिर हैं। हम आपको चुनौती देते हैं कि आप विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने के बजाय अपनी भावी चुनावी रैलियों में आम लोगों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों पर ही बात करें। खड़गे के इन तीखे सवालों पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मोदी पार्टी के प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर खड़गे सियासी पारा हाई करने से बाज नहीं आ रहे। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी इन सवालों का जवाब अपनी कथनी से देंगे या करनी से। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।